ये काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, टुरुरु टुरुरु। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी दिखते हैं आपके गोरे गोरे गाल काले, या फिर आपको भी लगते हैं आपके काले काले बाल गोरे? सबके उपाय के साथ में आ चुके हैं हम डबर पट्टी लेके। आज डबर पट्टी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। डबर पट्टी क्या होता है ये बात तुम्हें जल्दी पता लगेगी, इतने वीडियो को लाइक कर दो। क्या कहा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो शेयर कर दो। ओके, ज्यादा फालतू बात किए बिना, तो क्या आपकी वीडियो भी स्टक होती है जैसे मेरी हुई थी अभी एक सेकंड पहले? क्या आप भी थक चुके हैं आपके मोबाइल से वीडियो बना बनाते? जी हाँ, तो ला चुके हैं आज आपके लिए सस्ता बजट वाला गेमिंग कैमरा। यस, कैमरा नहीं, वेब कैम। एक्चुअली कैमरा तो बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी के महंगे महंगे पदार्थ हो जाते हैं, और सस्ते क्वालिटी का सस्ता नहीं महंगा वर्जन लेके आए हैं। क्या आप तैयार हैं अनबॉक्सिंग देखने के लिए KSU की तरफ से आने वाला HW वेब कैम, जो आपके गेमिंग के लिए अच्छी तरह यूज हो सकता है? तो स्वागत है आपका एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं भाई KSU की साइड से आने वाला HW1 लाइव स्ट्रीमिंग वेब कैम के लिए गो बियॉन्ड बिल्ट इन फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल 1080p फुल HD वेब कैम, जैसा कि बताया जा रहा है आपको। तो अब तुम्हें देखा होगा मेरी कई वीडियोज हैं जो बुरी तरह स्टक होती है मेरे फेस कैम में, बहुत सी वीडियोज में तुमने देखा होगा, अनंत वीडियो में, क्योंकि आज तक मैं रिकॉर्ड करता था अपने सैमसंग गैलेक्सी ओन 7 के कैमरा से। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मैंने अपने माइक की अनबॉक्सिंग की रिव्यू करी थी ना, तो भाई साहब उसके अंदर भी मैंने इस कैमरा से रिकॉर्ड करा था, और बेहद मेरे सीन जो थे स्टक हुए थे, बहुत सी क्लिप मैंने डिलीट कर दी थी, इसलिए सब कुछ मैं बता भी नहीं पाया था इसके बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक नया वेब कैम भी ले लिया जाए, तो मैंने ले लिया। अब KSU ही मैंने चूज किया क्योंकि बहुत से इसके रिव्यू देखे थे, और आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा KSU के डब्बे के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई साहब ऐसा तुम्हें डब्बा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और बात करें इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई साहब बेहद ही वाहियात आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इस डब्बे को खोलते ही मात्र आपको अंदर एक कैमरा देखने को मिलेगा, ऐसा इसको भी दिखाते हैं, और एक मिलेगी आपको मैनुअल, इसको भी दिखाते हैं। इसके अलावा घंटा, भाई कैमरा इन्हें ऐसे का ऐसा दे दिया, लिटरली ऐसे का ऐसा, एक कवरिंग भी नहीं थी इसके ऊपर। तो भाई KSU वाले एक्सपीरियंस बड़ा बेकार है, पैकिंग बड़ी बेकार है इनकी, और कुछ नहीं, इस डब्बे के अंदर फेंक दो इस डब्बे को। फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक मैनुअल मिलती है। अब मैनुअल भी किसी भी काम की नहीं है एक्चुअली, लिटरली किसी भी काम की। अरे कैमरा यार, प्लग एंड प्ले, सीधा घुसाओ और चलाओ। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा सबसे पहले कैमरा, और बाकी यहाँ देखने को मिल जाता है भाई साहब अपना मस्त है देखने के अंदर। आई थिंक फोकस फोकस हेलो फोकस हो ही रहा होगा, मतलब कैम मोबाइल कैमरा है, क्या घंटा ही फोकस होएगा। तो यहाँ पे बढ़िया सा अपने तुम्हें यहाँ पे KSU की इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बात रही इसकी, ये जो है आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर भी लग सकता है ऐसे खुल के, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपको इसको बैक के अंदर देखने को मिल जाएगा एक स्क्रू, मतलब यहाँ पे आप स्टैंड पे भी लगा सकते हो, लेकिन स्टैंड लेके आओगे ना इसके लिए, तो भाई साहब कृपया इसका जो साइज है ना वो देख के लेके आना, क्योंकि हर ट्राईपोड या हर स्टैंड के ऊपर नहीं लगता ये। जो अपने माइक के साथ में ट्राईपोड आया था, मैं सोचा उसके साथ अटैच कर लूंगा, लेकिन वो ट्राईपोड अलग था और इसके ऊपर नहीं लगा। तो अगर तुम ट्राईपोड लेने जाओ तो इसको साथ लेके चले जाना, जेब में घल जाएगा यार, ये तो क्या बड़ी बात है, फंसा दिया जेब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तुम्हें KSU की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और क्या ही बताऊँ अब इसके अंदर। तुम्हें एक लाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे रेड कलर की और ग्रीन कलर की, जब तुम इसे ऑन करोगे, जब ये एक्टिव होएगा तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट होएगी, जब ये बंद होएगा तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। अब तुम्हें सीधा क्वालिटी के अंदर फर्क दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें टेस्ट करके दिखाना चाहूँगा जो मेरा मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है, उसके लिए हम चलते हैं एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके आज तो आ चुके हैं हम हमारे अभी स्क्रीन के ऊपर। ये जो है एक साइट है चेक माई वेब कैम, या फिर वेब कैम टेस्ट के नाम से है। इसके आकर आप अपनी मतलब कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास जो भी अपने कैमरे हैं यहाँ पे डेरोइड कैम यूज़ कर रहा हूँ मैं, सोर्स नंबर 2 या 3, आई थिंक सो 2 ही है, टेस्ट माई वेब कैम। ओके, ये जो अपना अभी अपना डेरोइड कैम से मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो ये यहाँ पे आपका सामने कैमरा आ जाएगा। और ये जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी थोड़ी जो अपनी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे सारे अपनी जो क्वालिटी आ जाएगी, क्वालिटी रेटिंग 125 है अभी अपने कैमरे की, और 29 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है, RGB ये सब तो नॉर्मल होते हैं जो भी है। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है भाई साहब 640 और 480 पिक्सल्स का, और जो अपना वेब कैम है वो 1080p पिक्सल्स का है। तो तुम अभी डिफरेंस देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और ये सब तो इसके मतलब ब्राइटनेस वगैरह ये तो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मेन जो देखने की बात होती है वो होती है क्वालिटी रेटिंग, ये भी बहुत वेरी करती है वैसे कोई,
मेन जो अपना है वो हमें पिक्सल्स बताएगा, जो अपना 480 पिक्सल्स पे फिलहाल अपनी रिकॉर्ड हो रही है, 720 से भी बिलो है ये आज के टाइम पे सदाई बिलो है भाई वो। तो यहाँ पे अपना अगर हम फुल स्क्रीन देखना चाहें तो ये अपनी फुल स्क्रीन है, और ये जो पूरी क्वालिटी तुम्हें देखने को यहाँ मिल ही जाती है। और अभी मैं तुम्हें चेंज करके दिखाता हूँ जो अपना नया KSU का हमने कैमरा लिया वो कैसा है। तो ओके गाइस, ये हमारी मेन स्क्रीन है और अभी तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों कैमरा के अंदर, फिर साइड बाय साइड में डिफरेंस दिखा दूंगा। तो रेडी फॉर द स्विचिंग ऑफ द कैमराज। सो गाइस, ये है अपना KSU का HW1 वेब कैम जो कि स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए होता है। तुम फर्क देख ही सकते हो, अगर नहीं भी देख सकते ना भाई साहब तो मैं तुम्हें एक आंख से वो और एक आंख से ये वाली क्वालिटी में दिखा दूंगा। और अब ये हमें देता है भाई पूरा वाइड एंगल, मतलब पूरा है वाइड एंगल। और मुझे पता है तुम्हारी सबसे पहले नजर इस पे गई है, ये ओडोमस है ना, ये ओडोमस जिंदाबाद। तुम्हें पता है मैं डेंगू का मरीज हो चुका हूँ एक बार भाई, गर्मियों में यही बचाती थी मेरे को, तुम्हें पता भी नहीं कैसे रिकॉर्ड करता था मैं। सर्दियाँ मेरे को हालांकि पसंद नहीं है पर फिर भी ओडोमस जिंदाबाद। और भाई साहब ये तुम्हारा, अब ये वो सस्ता ट्राइपॉड तुम्हें देखने को मिल चुका है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये अपना मोबाइल रखा हुआ था जिससे मैं आज तक रिकॉर्ड करता था। अभी तुम क्वालिटी का डिफरेंस देख ही चुके हो भाई साहब, ये पूरा वाइड एंगल देता है तुम्हें और क्वालिटी तो देखने को मिल ही रही है। अभी मैं तुम्हें साइड बाय साइड भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं तुम्हें लेके चलता उस साइड के ऊपर टेस्ट में वेबकैम के ऊपर, ताकि मैं हमें पिक्सल्स दिखा सकूँ कैमरे की। लेकिन अब समस्या क्या है, जो अपने वेबकैम्स होते हैं ना वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको OBS से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मैं उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता टेस्ट माय वेबकैम के ऊपर। इसलिए अब मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल से। तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर वाली स्क्रीन के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं हमारे टेस्ट माय वेबकैम वाली साइट पे, और यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो अपने जितने भी कैमरा है। अभी हम HD वेबकैम सिलेक्ट करेंगे, पहले पास हमने पास था ड्रॉइड कैम, ठीक है। तो अभी HD वेबकैम के बाद टेस्ट माई कैम यहाँ पे दबा देंगे, और ऊपर जो आपने देखो हरी बत्ती मस्त वाली जम चुकी है। और ये आजकल टैने कितना सस्ता जुगाड़ करना पड़ रहा है भाई साहब मेरे को। अभी तुम्हें रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा लैग देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इस कारण से, मोबाइल वाले कैमरे से। ओके गाइस, प्रॉपरली अपना कैमरा चेक हो चुका है भाई साहब। ये आते हैं 2001 क्वालिटी रेटिंग, वैसे इसका कोई फर्क नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया था अपना कैमरा तो 4000 प्लस थी इसकी रेटिंग, तो ये तो ऐसे ही रैंडम चलता रहता है। अपने देखने की जो बात है यहाँ पे, रेजोल्यूशन जो अपने 1080 पिक्सल्स मिल रहा है हमें, 33 FPS आ रहा है, और वीडियो क्वालिटी देख सकते हो तुम। अभी मैं तुम्हें साइड बाई साइड भी दिखा देता हूँ दोनों क्वालिटीज। ओके गाइस, तो अभी देख सकते हो दोनों कैमरा। एक बार मेरे को ऊपर देखना पड़ रहा है, एक बार नीचे, ताकि आंखों में आंखें मिला सकूं मैं। अखी और अखा लड़ाई दे ऐसा कर कुछ गाना भी है, चलो जाने दो इसे। तो अभी तुम देख सकते हो दोनों कैमरा क्वालिटीज में फर्क भाई साहब। ये अपना जो अपना मोबाइल कैमरा मैं यूज करता हूँ वो है, और ये अपना KSU का HW1 वेब कैम। अभी वाइड एंगल दोनों प्रोवाइड करते तो हैं, बट मोबाइल उतना नहीं कर पाता कि तुम देख सकते हो। और अब तुम कह रहे हो कि भाई वो ऊपर रखा है और ये नीचे, तो देखो मैं उसको नीचे रख नहीं सकता कैसे भी, क्योंकि मेरे ट्राइपॉड पे फिट आ नहीं रहा है। और फिर भी मैं उसको नीचे रख दूँ ना तो भी भाई साहब वो वाइड एंगल ही प्रोवाइड करेगा, ऊपर नीचे का फर्क नहीं होता है कुछ भी। इसको अगर चलो मैं दूर रख देता हूँ, एक बार मानते हैं थोड़ा कैमरा दूर रख के आता हूँ मैं। ओके, तो अभी मैंने वो कैमरा भी काफ़ी दूर रख दिया। अब तुम कहते हो ना वाइड कैमरा, तो भाई ठीक है दोनों अच्छा वाइड कवर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैमरा क्वालिटी के फ़र्क हम तुम साफ देख सकते हो दोनों के अंदर। एक के अंदर HD है जो कि अपना 1080 पिक्सल है, और ये जो है 480 पिक्सल है। तो फ़र्क तुम साफ ही देख सकते हो दोनों के अंदर। हालांकि कैमरा मेरे को पहले उतनी दूर रखना चाहिए था अपनी वीडियोज़ के अंदर, पर चलो कोई बात नहीं, अब दोनों के अंदर डिफरेंस तुम देख ही सकते हो। एक बार और बता देता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है और तुम इसको लेना चाहते हो स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब चलो स्ट्रीमिंग में छोड़ो, यू आर स्टूडेंट के लिए भी सबसे बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट माइक आता है। मैं तुम्हें इसका इनबिल्ट माइक की साउंड सुनाता, लेकिन अगर काफ़ी ठंडे हो जाएंगे, मेरे को इसको डेटा अटैच करना पड़ेगा और उसका ऑन करना पड़ेगा, और ख़ास नहीं है यार, मतलब ठीक सी एवरेज जो तुम्हें मिलती है। बाकी हाँ, अगर तुम इसको जूम मीटिंग्स में यूज़ करना चाहते हो तो भाई बेस्ट है ये, ले लो इसको बिना सोचे समझे। और इसके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते हैं भाई, मेरा पेट इतना नहीं है जितना वीडियो में दिख रहा है। हाँ, तो इसके प्राइस ऊपर नीचे, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लेने का सोचा था ना तो ये पड़ा था भाई मेरे को 1750 अराउंड आसपास। लेकिन जब मैंने इसको परचेज किया ना भाई, इसकी कीमत थी 21, मतलब लिटरली बढ़ती रहती है इसके। और इसका एक ब्लैक वर्जन भी आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुम चेकआउट कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो खरीदने में। इसका जो ब्लैक वर्जन ये है थोड़ा ग्रेस सा, जो होल ब्लैक मैट ब्लैक आता है ना भाई वो है लिटरली, अगर ये 21 का है ना तो 3000 का है सिर्फ कलर के ऊपर। इसके प्राइजेस बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, देख लो तुम्हें बढ़िया डील मिले उसके टाइम भचका दो। तो ये था भाई दोनों के अंदर डिफरेंस। अब तुम्हें कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना,
और ये कुछ री इंस्टॉल लेटेस्ट अपडेट, ये विंडो अपडेट निकालती रहती है मेरे कंप्यूटर का नाश मारने के लिए। तुम्हें नहीं दिख रहा हो, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे ऊपर। चलो कोई बात नहीं, और तुम बताना वीडियो कैसी लगी, मैं बताऊँ तो किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दो दो टर्मिनेटो अलविदा कर रहे हैं, वापस भी लौट के आएंगे। सब्सक्राइब ठोक दो भाई साहब अभी के अभी, और तब तक के लिए बाय बाय।